सदनों, अबन दरबार में भी खबर पहुंच गई कि रूप और बसंत शहर कुंवरगढ़ के राजा बनकर के सेना साथ लेकर के आए तो सारे सैनिक धारा नगरी के वो भी राजी हो जाते हैं। अब रानी और जालिम सिंह घबरा जाते हैं। तो मेरे सरों नगर निवासी आशीर्वाद देते हैं रूप और बसंत को। तो कथा का आखिरी भजन है, रागनी है सुबह का। सत्य की जीत हमेशा होती है। अब
नगर निवासी भी रूप और बसंत के साथ वापस मुड़ जाते हैं। अब गए दरबार में, रानी जालिम सिंह नौकर और वह रानी डर के मारे महल के ऊपर चढ़ जाते हैं। रूप बसंत के ऊपर जाते हैं। रानी कहते हैं, मैं तो तुम्हारी मौसी हूँ, मुझे मत मारो, इस जालिम सिंह नौकर को मार दो। नहीं, तुम पापन पापी पाप किया, अपने आप कूद कर मर गई, हाथ से पाप थमाया नहीं, भी नहीं कमाया और पाप को भाई मिटा भी दिया परमात्मा। अब रूप बसंत क्या करते हैं, कैद के ताले खोलते हैं, चाचा धीर सिंह को आजाद करते हैं और अपना पिता की तरफ देखे, समय राजा खड़क सिंह दोनों पुत्रों को देख करके बताया, रूप बसंत को देख पिता निजी पल पे दुखाया, रूप बसंत को देख पिता पे निजी पल के दुखाया, हे पुत्रों मेरी गलती हो गई राजा माफी चाहा, हे पुत्रों मेरी गलती हो गई राजा माफी चाहा, रूप बसंत चरण पिता के चरण पकड़ करके रोते, पिताजी आप इतनी लाचारी मत दिखाओ, लाचार मत हो। रूप बसंत चरण पड़ रोए, नैनो से नीर बहाया, अपने गले लगाया, रूप बसंत को हाथ करके अपने गले लगाया, एक राम राम सभा में गाया,
बेटा।